नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में और निफ्टी के बारे में, इन दोनों के हम एनालिसिस करेंगे। देखिए, आज ये जो हम एनालिसिस करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे कि आज बैंक निफ्टी ने किस तरह से मूव किया, आखिर वो कौन सा फैक्टर था जो आज एक्टिव हुआ और हमने कंटिन्यू एक अपवर्ड मूव देखी। निफ्टी की भी हम चर्चा करेंगे, देखेंगे आखिर ऐसा कौन सा सपोर्ट था जहां पर निफ्टी ने सपोर्ट लेकर इतना ज़बरदस्त बाउंस बैक किया। देखेंगे कल हमारी एक्सपायरी है, कल थर्सडे है, एक्सपायरी है, एक्सपायरी वाले दिन हमको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, कौन सी कॉल बाय करनी चाहिए, कौन सी पुट सेल करनी चाहिए, ऑप्शन राइटिंग करनी चाहिए, ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए, इन सब चीज़ के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को में कंटिन्यू बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी ने देखिए, हमने देखा कि मतलब फाइनली जैसे आज ओपन हुआ, ओपन होने के बाद कंटिन्यू ऊपर की तरफ मतलब निकलता चला गया। देखिए, इसके पास एक रेजिस्टेंस लेवल था, रेजिस्टेंस लेवल चलिए मैं आपको अभी 15 मिनट के चार्ट में लेकर चलूंगा या 5 मिनट के चार्ट में लेकर चलूंगा, वहां पर आपको मैं विथ लॉजिकली बताऊंगा कि मतलब किस तरह से बैंक निफ्टी ने पहले रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद रेजिस्टेंस क्रॉस करने के बाद कंटिन्यू ऊपर की तरफ। देखिए, जो वो मैं चीज़ें बताऊंगा तो वो चीज़ें आपके बहुत काम आने वाली हैं, वो आगे जब भी आप इंट्राडे ट्रेड करेंगे तो आप लोगों को वो चीज़ें जो है सामने चार्ट में दिखाई देंगे, तो आपको पता चलेगा कि मार्केट इस तरह से बिहेव करती है, इस तरह से मूव करती है। अब देखिए, बैंक निफ्टी का चार्ट जो हमारा, देखिए जो हाई लगा हुआ है वो 36,451 का और जो लो लगा हुआ है वो 35,638 का। मींस देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो 800 पॉइंट्स तो हम यहीं पर मूव कर चुके हैं, ठीक है, और ऑलमोस्ट हम 200 पॉइंट्स हम जो है कल आज जो है गैप अप ओपन हुए थे, जो हमारी कल की क्लोजिंग थी वो कल की क्लोजिंग चलिए हम यहाँ पर देखते हैं तो क्लोजिंग हमारी 35,419 की थी। आज हमने कहाँ पर हाई जो लगाया है वो 35,451, मींस हमको 1,000 पॉइंट्स के आसपास हम जो है ऊपर की तरफ जा चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये वाला लेवल देखिए, ये जो लेवल मैंने ड्रॉ कर रखा हुआ है 36,480 के आसपास। तो देखिए यहाँ से एक कंटिन्यू हमारे पास एक अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद हम यहाँ से देखिए नीचे की तरफ आए, ठीक है, अगेन ध्यान दीजिएगा, अब अगेन हम दोबारा इसी लेवल के आसपास खड़े हैं। अब देखिए ये एक परफेक्ट जगह है सेलिंग के लिए, अगर यहाँ से मार्केट को नीचे की तरफ आना है, अपना ये ट्रेंड कंटिन्यू रखना है, तो यहाँ से कल हमको सेलिंग देखने को मिल सकती है। दूसरा देखिए क्या हो सकता है, दूसरा मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, ये एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ और ये ट्रेंड लाइन का यहाँ पर रेजिस्टेंस ले सकता है। अब देखिए यहाँ पर मे भी देखिए ये जो ट्रेंड आज चला है, अब ट्रेंड में कंटिन्यू चले हैं हम, और मे भी कल ये ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है, गैप अप ओपनिंग हो सकती है, गैप अप ओपनिंग होने के बाद मे भी ये ट्रेंड लाइन के पास हम जाकर यहाँ से रिवर्स हो सकते हैं। देखिए हमारे पास एक बहुत बड़ी मूव, बहुत अच्छी मूव आज हमको ऑलरेडी मिल चुकी है, अगर कल हमको बहुत अच्छी मूव चाहिए, बड़ी मूव चाहिए, तो हमको इसके ऊपर ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। अगर हम ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करने में सफल हो गए तो आगे समझ लीजिए हमारे 3-4 दिन हमारे बहुत अच्छे बुलिश जाने वाले हैं। चलिए 15 मिनट के चार्ट में चलता हूँ, दिखाऊंगा कि किस तरह से हमको ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए हमको इंटरडे ट्रेड में। अब देखिए मैं आपको एक क्लियर चीज़ यहाँ पर बताऊंगा, अब देखिए ये एक लेवल था, ये लेवल हमारे पास क्या था, ये 35,750 से 780 के आसपास का ये लेवल है। इस लेवल के पास देखिए हम गैप अप ओपन हुए और नीचे की तरफ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगेन देखिए अगले दिन भी क्या हो रहा है, अगले दिन भी हम इस लेवल को ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं कर पाए, नीचे की तरफ। अब यहाँ पर देखिए कल क्या हुआ, कल भी हम देखिए यहाँ पर गैप अप ओपन हुए, गैप अप ओपन होने के बाद अगेन हमने यही लेवल टेस्ट किया, अगेन नीचे की तरफ। मींस कहने का मतलब है ये लेवल हमारा बार बार टेस्ट हो रहा था, ऑलरेडी यहाँ पर 3 बार टेस्टिंग हो चुकी थी, मींस यहाँ पर 3 बार जब टेस्टिंग हो गई है तो लेवल वीक हो चुका है। अब मैं इसको डिलीट करूंगा या फिर इसको मैं छोटा करके दिखाने की कोशिश करूंगा, अब मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, ध्यान से देखते रहिएगा मैं क्या चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये हमारा हाई है, ये हमारा कल का हाई लगा हुआ है, ओके, मींस हम यहाँ पर ओपन हुए थे, ओपन होने के बाद हम यहाँ सस्टेन नहीं कर पाए और कंटिन्यू नीचे की तरफ। अब इसी हाई के आसपास देखिए हमारी गैप अप ओपनिंग हुई है और गैप अप ओपनिंग होने के बाद यहीं से हमने सपोर्ट लिया है। मींस देखिए क्या होता है, जो सपोर्ट होता है वो रेजिस्टेंस बन जाता है और जो रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट बन जाता है। तो ये क्या था हमारे पास, ये हमारे पास कल का रेजिस्टेंस था और ये रेजिस्टेंस फाइनली देखिए यहाँ पर सपोर्ट बन गया। अब सपोर्ट बनने के बाद देखिए जब यहाँ पर आपको इस तरह के कैंडल मिल जाए, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, अब सपोर्ट के आसपास अगर बुलिश एंगल्फिंग कैंडल मिल रही है तो इसका मतलब है कि आज बैंक निफ्टी बहुत अच्छा करने वाला है। तो फाइनली देखिए यहाँ पर हमने बुलिश एंगल्फिंग कैंडल हमको मिला और इसका देखिए जैसे ही हाई क्रॉस हुआ, हाई देखिए 35,890 के आसपास था, 35,890 का लेवल ऊपर की तरफ क्रॉस हुआ, कंटिन्यू हम ऊपर की तरफ चले हैं। अब देखिए ये जो ये रेजिस्टेंस लेवल आपको याद होगा, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हम यहाँ से कई बार गिरे हैं और यहाँ से हम मे बी हम कल यहाँ पर गिर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, 15 मिनट के चार्ट में ध्यान से देखिएगा हमको किस तरह से ट्रेडिंग करनी है। अब यहाँ पर जाने के बाद हम रेंज बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा हम जब भी रेंज बनाते हैं, चाहे वो सपोर्ट एरिया हो चाहे वो रेजिस्टेंस एरिया हो, जब भी रेंज बनाना
शुरू करते हैं तो वहाँ पर हमको एक अच्छे मूव की हमको जो प्रोबेबिलिटी होती है कि हमको वहाँ से एक अच्छी मूव मिल सकती है। अब देखिए ये रेंज हमारे पास बिल्कुल क्लियर कट हमको कल की ट्रेडिंग करने के लिए बहुत अच्छा सिनेरियो मिल चुका है। अगर देखिए कल एक 15 मिनट की कैंडल नीचे की तरफ क्लोज कर देती है तो अगर आप ऑप्शन राइटर हैं तो यहाँ पर 36,500 की या 36,400 की कॉल राइट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप ऑप्शन बायर हैं तो यहाँ पर देखिए इजिली आप 36,200 की कॉल में ट्रेड पुट में ट्रेड कर सकते हैं, 36,200 की पुट बाइंग कर सकते हैं। देखिए दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा सिनेरियो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। अगर इसको हम ऊपर की तरफ ब्रेक करते हैं तो ध्यान रखिएगा ये जो ऊपर वाली मैंने रेड कलर की ट्रेंड लाइन जो बताई है इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ और आप लोगों को तब जो है ख्याल आएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम ऊपर की तरफ क्लोज करते हैं तो हमारे पास ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा कोई स्पेस बाकी नहीं है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाया था। इसको मैं प्रॉपर आपको करके दिखाता हूँ। अब ये देखिए 15 मिनट के चार्ट में यहाँ पर हमारे पास ट्रेंड लाइन है। अगर कोई 15 मिनट की कैंडल बड़ी कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज भी करती है तो अगली कैंडल क्या पता यहाँ पर कोई शूटिंग स्टार कैंडल बन जाए या फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस ले ले। तो देखिए जब तक हम इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ क्लोज नहीं करते तब तक हम कोई बड़ी तेजी देखने वाले नहीं है, पॉइंट नंबर वन। दूसरा ध्यान रखिएगा, और यहाँ पर अगर हम गैप अप डायरेक्ट गैप अप ओपन यहाँ पर हो जाते हैं इस ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ पर डायरेक्ट गैप अप ओपन हो जाते हैं तो मे बी हम गैप अप होने के साथ साथ ही हम यहाँ पर गिरना स्टार्ट कर देंगे, नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा अगर इस लेवल के आसपास अगर आपको मार्केट मिलती है तो यहाँ पर 36,700 की कॉल राइट कर सकते हैं। ऑप्शन बायर है तो यहाँ पर आप 36,700 की पुट बाइंग कर सकते हैं। अगर यहाँ पर देखिए मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद जिस तरफ भी ब्रेक करे, अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करे तो मे बी देखिए हमको जो ऊपर का ट्रेंड लाइन का जो लेवल है वो 36,750 से 780 और यहाँ पर क्लोजिंग हमारी कहाँ आई है 36,350। मीन्स अगर हम फ्लैट ओपन होते हैं तो हमारे पास 300 से 400 पॉइंट है ऊपर की तरफ जाने के लिए, बट ऐसा मुमकिन मुझको लगता नहीं, पॉसिबल नहीं है क्योंकि मार्केट आज बहुत ज़्यादा चली है, ओपन इंटरेस्ट बहुत अच्छे खड़े हो चुके हैं। तो मे भी देखिए कल मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो सकती है, गैप अप में अगर इस लेवल के आसपास मिले तो क्लियर कट हमको सेलिंग करनी है। तो ये रेंज आपको मिल चुकी है, रेंज जिस तरफ ब्रेक करे उस तरफ जाइए, ट्रेडिंग करिए, बहुत अच्छा यहाँ पर सिनेरियो मिलने वाला है। बाकी जो भी अपडेट होते होंगे मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। आपने अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा यहां पर क्या हो रहा है, हमारे पास एक ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ से है, ये ट्रेंड लाइन मैं यहां से देखिए ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। अगर हम यहां से एक बार गिरना स्टार्ट करेंगे तो हम नीचे में भी देखिए हमारा पहला सपोर्ट यहां पर होगा, मैं आपको सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल भी यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो अब देखिए अगर हम यहाँ से नीचे की तरफ निकलना शुरू करते हैं तो पहला सपोर्ट हमारे पास 36,050 के आसपास है और दूसरा सपोर्ट हमारा होगा 35,750 के आसपास, तीसरा सपोर्ट हमारा ये ट्रेंड लाइन होगा। अगर देखिए ऊपर से हम कंटिन्यू नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हुए तो ये सम ट्रेंड लाइन तक आ सकते हैं, और ऊपर की ये रेड ट्रेंड लाइन और नीचे की रेड ट्रेंड लाइन यहाँ पर मिलता है तो क्लियर कट बाइंग के लिए देखना है। बट यहाँ पर जब मार्केट इतना ज़्यादा गिर चुकी होगी तो यहाँ पर मे बी एक बाइंग आना पॉसिबल है, बहुत अच्छी बाइंग यहाँ पर आ सकती है अगर इस लेवल पर मिलती है तो। बट ये लेवल अभी बहुत दूर है, फिलहाल आप इस रेंज ब्रेकआउट पर नजर रखिएगा, जिस तरफ ब्रेक करेगी उस तरफ आपने बाइंग या सेलिंग करनी है, या ऑप्शन राइटिंग करते हैं तो अपने राइटिंग करनी है। चलिए चलते हैं निफ्टी के चार्ट में, तो निफ्टी के चार्ट में देख लेते हैं। देखिए जैसा अभी हमने बैंक निफ्टी के चार्ट में देखा सेम हम निफ्टी के चार्ट में देख रहे हैं, तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया था और इस रेजिस्टेंस एरिया के आसपास हमने आकर देखिए 4 दिन स्पेंड किए थे, मतलब ये एक एरिया हम इसको कह सकते हैं कि हर्डल है। तो ये हर्डल देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5, हमने इसको 5 दिन लगाए थे इसको क्रॉस करने में। मीन्स ये एरिया जो है अगर आप कहें कि यहाँ पर कल हम डायरेक्ट इसको क्रॉस कर देंगे तो ऐसा मुश्किल लगता है। देखिए मे बी मार्केट मार्केट इज सुप्रीम मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर हमने देखिए 4 दिन लगाए इस एरिया क्रॉस करने में, तो यहाँ पर भी कुछ टाइम लग सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा मे बी यहाँ से अगर इसको गिरना है, देखिए अभी हमारा ट्रेंड कौन सा है, कंटिन्यू हम नीचे की तरफ हैं, अभी देखिए हम ऊपर की तरफ हम निकल रहे हैं तो ऊपर की तरफ देखिए अगर हम हाई क्रॉस करेंगे तो मे बी हमको एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। निफ्टी में अगर आज हम देखें तो लो जो लगा है वो 14,996 का और हाई जो लगा है वो 15,271 का, कह सकते हैं कि हमको यहाँ पर 300 के आसपास मूव हमको देखने को मिली है। 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं और देखेंगे अपना कल का ट्रेडिंग प्लान हमको किस तरह से निफ्टी में यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज जो ये अप ट्रेंड की जो मूव आई वो मूव का कारण क्या था, लॉजिक क्या था, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए एक तो हमारे पास ये रेजिस्टेंस एरिया था, ये रेजिस्टेंस एरिया, अब देखिए ये बड़ी कैंडल, देखिए ये बड़ी कैंडल जो है अब कल जो लास्ट का जो हाफ आवर था उसमें एक बहुत अच्छी तेजी आ चुकी थी और एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हो चुका था। दूसरा अगर हम देखें तो ये हमारे पास देखिए ये डे क्लोजिंग है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, जरा ध्यान से देखिएगा, बड़ी लॉजिकली चीज़ है,
तो यहाँ पर देखिए हम फाइनली आ चुके हैं। अब ये देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, ये देखिए ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, रेजिस्टेंस को फेस कर रहे हैं नीचे की तरफ। अगेन देखिए हम इसी रेजिस्टेंस के आसपास जाकर जो है हम क्लोजिंग दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये रेजिस्टेंस एरिया, अगेन देखिए हमने यहाँ पर इसको गैप अप ओपनिंग किया और ऊपर ही रह गए। अब ये जो रेजिस्टेंस एरिया था, ये रेजिस्टेंस एरिया देखिए ओपन तो थोड़ा ऊपर हुआ, बट इस रेजिस्टेंस एरिया के पास आकर हमने सपोर्ट लिया। देखिए जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो रेजिस्टेंस होता है वही सपोर्ट बन जाता है, और जो सपोर्ट होता है वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। तो यहां पर देखिए कारण जो है आज की तेजी का यही था कि ये जो रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस के पास आकर हमने सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद जैसे ही हमने डे हाई क्रॉस किया, ये हमारा डे हाई था, और जैसे ही हमने यहां पर डे हाई क्रॉस किया, डे हाई क्रॉस करने के बाद हम कंटिन्यू ऊपर की तरफ चलते चले गए। अब देखिए हम इस एरिया के पास, जैसे कि हमने थोड़ी देर बैंक पहले देखा, बैंक निफ्टी में हम क्या देख रहे हैं, बैंक निफ्टी में हम एक रेंज देख रहे हैं कि मतलब अब फाइनली जो है जाकर लास्ट के आवर्स में वहां पर रेंज बननी चालू हो गई है। बट निफ्टी में हमको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, मींस निफ्टी बैंक निफ्टी से ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है यहां पर, तो नजर बनाकर रखिएगा। अब यहां पर देखिए हमको फाइनली 15 मिनट का ये जो कैंडल हमको मिली हुई है, ये जो कैंडल देखिए हम इसको टेक्निकल एनालिसिस के लैंग्वेज हम शूटिंग स्टार कैंडल कहते हैं। पहले मैं इसको थोड़ा इसको मैं डिलीट ही कर देता हूं और ये बता देता हूँ कि यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। अब देखिए ये जो कैंडल है, ये हमारे पास हम क्यों कहते हैं शूटिंग स्टार कैंडल। अब एक हम ट्रेंड लाइन और ड्रॉ करेंगे, आज की ट्रेंड लाइन जो हमने आज मूव की है। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, अब जैसे ही हम इस रेड कलर की, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ, हम जैसे ही इस ब्लैक ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक करेंगे तो हमारा अगला टारगेट ये रेड कलर की ट्रेंड लाइन है, और दूसरा मे भी देखिए ये हो सकता है। अब देखिए इस एरिया में आकर हमको दो सपोर्ट मिलेंगे, पहला सपोर्ट होगा हमारा इस ट्रेंड लाइन का जो रेड कलर की ट्रेंड लाइन है इसका सपोर्ट, और दूसरा हमारा जो हमारा आज का जो डे हाई था वो हमारा कल जो है, देखिए ये डे हाई आज हमारे लिए रेजिस्टेंस था, तो ये डे हाई कल हमारे लिए सपोर्ट बन जाएगा। तो इस एरिया के आसपास अगर मिलता है 15,063 15,060 के आसपास मिलता है, तो यहां पर आप अगर ऑप्शन बायर हैं तो 15,050 की कॉल लेकर बाय कर सकते हैं, ऑप्शन राइटर हैं तो 15,050 की पुट सेल यहां पर कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए मैं आपको थोड़ा चार्ट में बड़ा करके दिखाता हूं, एक घंटे के चार्ट में चलते हैं और एक घंटे के चार्ट में मैं आप लोगों को रेजिस्टेंस ये सारे मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूं। अब यहां पर देखिए ये जो एरिया हम देख रहे हैं, देखिए फाइनली हम यहां पर एक घंटे के चार्ट में आ चुके हैं। अब देखिए हम किस एरिया के पास खड़े हैं, हम उस एरिया के पास खड़े हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जहाँ पर मेरा कर्सर है, इस एरिया के पास आने के बाद देखिए हम कितनी तेजी से नीचे की तरफ गिरे थे, ठीक है ना। अगेन देखिए हम इस एरिया के पास आए हैं, अगेन हम देखिए नीचे की तरफ आए हैं, अगेन देखिए हमने ये लेवल ब्रेक किया है, यहाँ पर रीटेस्ट किया है, रीटेस्ट करने के बाद देखिए कितनी तेजी से गिरे हैं। तो मे भी देखिए ये जो शूटिंग स्टार कैंडल बनी हुई है ये यहाँ पर कुछ बता रही है, देखिए यहाँ पर कल सेलिंग प्रेशर आ सकता है, ये रेड कलर की ट्रेंड लाइन के आसपास मिलता है तो यहाँ से बाइंग करिए, कहीं बीच में मत घुस जाए, बीच में नहीं घुसना है बाइंग करने के लिए। अगर बीच में आप बाइंग करने के लिए घुसते हैं तो आपका मे बी स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो सकता है या फिर आप वहां पर ट्रैप हो सकते हैं, तो इस पर नजर बनाकर रखिएगा। अगर ये नीचे पहले मार्केट ओपन होने दीजिए, थोड़ी देर सस्टेन होने दीजिए, उसका अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस उसको फाइंड आउट करने दीजिए, उसके बाद यहां पर अगर वो रेड कलर के ट्रेंड लाइन के आसपास आपको मिलता है तो यहां से बाइंग करिए। अब यहां से जब रेड कलर के ट्रेंड लाइन के पास आकर जब यहां से बाउंस बैक करेगा, देखिए मैं आपको इस तरह से ड्रॉ करके दिखाता हूं, मैं जब यहां से हम बाउंस बैक करेंगे, यहां पर देखिए अब रेड कलर की ट्रेंड लाइन के पास हम यहां नीचे की तरफ आकर जब हम यहां से बाउंस बैक करेंगे और उसके बाद जब हम ये एरिया क्रॉस करेंगे, कौन सा एरिया, ये जो हमने ड्रॉ करके रखा हुआ है ये वाला एरिया, ये जो रेजिस्टेंस है हमारा, ये रेजिस्टेंस जब इसके बाद क्रॉस करेंगे तो मे बी हमारा अगला टारगेट जो है, ये आप देख रहे हैं जो डे हाई हमारे को मिला हुआ है, सॉरी जो हमको यहाँ पर ये जो हमारा हाई लगा हुआ है ये 15,430 के आसपास है, तो ये एरिया क्रॉस करने के बाद ही हम एक बड़ी तेजी की उम्मीद कर सकते हैं। अदरवाइज कल अगर फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट ओपन होते ही मार्केट में एक गिरावट देखने को मिल सकती है, एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। इस ट्रेंड लाइन देखिए जब तक हम इस रेड कलर की ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं हम तब तक बुलिश हैं, तब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जब जब इस रेड कलर की ट्रेंड लाइन पे आएंगे तो हम यहां से बाउंस बैक होंगे। देखिए हम बियरिश कब होंगे, जब भी फाइनली रेड कलर की ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ब्रेक हो जाएगी उसके बाद हमको यहां पर सेल की ट्रेड देखना है। फिलहाल देखिए छोटे छोटे आपको बाइंग या सेलिंग की ट्रेड आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाकर 5 मिनट के टाइम फ्रेम या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अपने बनाने होते हैं। अब देखिए यहां पर एक घंटे के टाइम फ्रेम में आप लोगों को ये रेंज कम लग रही होगी, बट ये रेंज बहुत ज्यादा है, ये 15,250, और अगर हम नीचे की तरफ का बात करें तो ये हमारे पास 15,100 मींस ये 150 पॉइंट्स है, ये 150 पॉइंट्स काफी होते हैं इंट्राडे के लिए। अब नजर बनाकर रखिएगा, देखिए एक बार तो हम यहां से कल तो मॉर्निंग के टाइम में फ्लैट ओपन होते हैं तो यहां पर गिर सकते हैं, यहां पर आप क्या कर सकते हैं 15,250 की कॉल राइट कर सकते हैं या 15,250 की पुट बाइंग कर सकते हैं। यहां पर अगर हम दोबारा अगेन हम यहां पर जाते हैं, देखिए कल जैसे हम यहां पर गिरते हैं, गिरने के बाद अगेन हम इस एरिया में जाते हैं, इस एरिया में जाने के बाद देखिए क्या हो सकता है,
यहाँ से देखिए जैसे हमने गिरना स्टार्ट किया, गिरने के बाद देखिए अगेन हमने इस लेवल को टेस्ट किया जहाँ से हम गिरे हैं, अगेन देखिए यहाँ से अगेन एक गिरावट आ सकती है। तो नज़र बनाकर रखिएगा, कन्फर्मेशन पर वही ट्रेड करिएगा, विदाउट कन्फर्मेशन कभी ट्रेड मत किया करिए, वो भी अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं और या इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं। बाकी देखिए जो भी ट्रेड बनते होंगे, जो भी सेटअप बनते होंगे, जो भी सपोर्ट होगा, रजिस्टेंस होगा निफ्टी का या बैंक निफ्टी का, जैसा मैं आप लोगों को आगे देता आया हूँ टेलीग्राम चैनल में, वैसे मैं आप लोगों को कंटिन्यू देता रहूंगा। कल मैं खास तौर पर मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे लेवल्स देने वाला हूं अपने टेलीग्राम चैनल में। सो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर ज्वाइन कर लीजिए नहीं ज्वाइन किया हुआ। चलिए वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। सेकंड मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि हमारा जो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि हमारा देखिए प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा था और फाइनली प्रोजेक्ट हमारा पूरा हो चुका है। मे बी शायद उसको हम इस संडे को या मंडे को हम उसको लॉन्च कर देंगे। सो अगर आप लोगों को वो प्रोजेक्ट चाहिए, चार्टिंग प्रोजेक्ट है तो चाहिए होगा, तो मुझे ईमेल करके मुझे बता दीजिएगा, आप लोगों के लिए वो प्रोजेक्ट अवेलेबल हो जाएगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल को। जय हिंद, जय माता दी।